हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज आज हम करने वाले हैं, महिला और बाल अपराध से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट सी में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। और 50 में से आपका क्या स्कोर बनता है, कितनी आपकी तैयारी है, कॉमेंट करके बताना है, पूरा वीडियो देखना है। और टारगेट रखते हैं कम से कम 35 क्वेश्चंस तो आपके सही होने चाहिए अगर आपने राजस्थान पुलिस की सी पार्ट की अगर तैयारी की है। इसके अलावा डेली और भी हम टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके का। डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का। अगर सारे टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिविजन करने के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो एक बार स्पीड के साथ में सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और भी करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखते हैं कि राजस्थान पुलिस की सी पार्ट की यानी महिला और बाल अपराध वाले पार्ट की आपकी कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन से आप सही कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर देना है और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। मैं सबका स्कोर चेक करूंगा कमेंट में कि कितने कितने क्वेश्चन सही किए, कितनी आपकी तैयारी, इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। पहला आपका है कि सदर पुलिस थाना यानी पहला राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है, ये किस जिले में है। राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है, सदर पुलिस थाना, और ये कहां पर आता है, ये धौलपुर जिले में आता है। तो राइट आंसर आपका पहले का 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, बाल श्रमिक की उम्र बतानी है कि बाल श्रमिक है वो किस एज में आते हैं, 12 वर्ष से कम में, 14 वर्ष के कम में, 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम। तो बाल श्रमिक की उम्र होती है 14 वर्ष से जो कम होते हैं वो बाल श्रमिक में आते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्य में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। राज्य में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। ये 2005 में पारित किया गया था, बी कर देंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। शारदा एक्ट जो हरविला राय बहादुर हरविला शारदा है इनके प्रयासों से, और राय बहादुर हरविला शारदा जी बिलोंग करते थे राजस्थान के अजमेर से। ये 1929 में एक्ट आया था, 30 में लागू हुआ था। तो उस टाइम पर जो बालिकाओं की जो एज रखी गई थी वो रखी गई थी 14 वर्ष। बालिकाओं की एज थी 14 वर्ष, हालांकि 2006 में संशोधन हो गया है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम जो बनाया गया था, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम है, वो कब बनाया गया था बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए, और ये अधिनियम आया था 1986 में, ठीक है। और बाल श्रम की एज हम पढ़ चुके हैं 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1930 में लागू किया गया शारदा एक्ट है, जो कि 2006 में समाप्त करके एक नया अधिनियम बनाया गया था, उस नए अधिनियम का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो नया अधिनियम बना था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। शारदा एक्ट आया था 1929 में और 1930 में लागू हुआ था, 2006 में संशोधन किया गया और नया बन गया बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। याद रखिएगा कब का है ये, 2006 का है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभाव में कब आया था। एक तो ये कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब का है, 2005 का, और ये प्रभाव में आया था 2006 में। तारीख याद रखनी है 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। कौन सी आयोग की, राष्ट्रीय आयोग। इस राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है, और ये हुई थी 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में टोटल कितनी धारा है और टोटल कितने अध्याय आते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। टोटल अध्याय कितने, 5, और धाराएं कितनी, टोटल 37 धाराएं हैं, दोनों याद रखिएगा अलग अलग। 10 नंबर कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है। लैंगिक दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है,
कि महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग करना भी है, महिलाओं का अपमान करना भी है, महिलाओं का तिरस्कार करना भी है, महिलाओं का अतिक्रमण करना भी है। तो सारे ही रीजन है वो लैंगिक दुर्व्यवहार में आ जाते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 कि सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के अकॉर्डिंग बालक है वो किस आयु से नीचे के उम्र की आयु के बालकों को माना गया है, कि कितनी आयु के नीचे के इंसान जो है वो बालक माने गए थे। ये तो ये याद रखिए कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब हुई थी, 2013 में, 26 अप्रैल 2013 को। और इसमें जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम उम्र है, वो बालकों में आते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाहर आया कि राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट है वो किस जिले में स्थापित की गई थी। पहली पोक्सो कोर्ट की स्थापना हुई थी राजधानी में, यानी जयपुर में की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट की स्थापना कहां पर हुई थी, जयपुर में, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी कब की गई थी ये बता दीजिए। ठीक है, एक तो ये कि पहली पोक्सो कोर्ट कहां पर है, जयपुर में, अभी भी पढ़ा था। अधिसूचना जारी हुई थी 2017 में, यानी 10 जुलाई 2017 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, 14 की राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहां पर खोला गया था। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना भी राजधानी में था, यानी जयपुर जिले में। तो बी हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कर देना ताकि इस तरह के डेली हम नए नए टेस्ट करते रहें। अगला है कि किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम कब का है, 2015 का, लागू कब हुआ था ये बता दीजिए। किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015, और ये प्रभाव में आया था 2016 में। इसकी भी तारीख याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 2016 को। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है, इसमें टोटल धाराएं कितनी है। टोटल कितनी धारा है इसमें, टोटल 112 धाराएं आती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में टोटल 112 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि जघन्य अपराध यानी इसके अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तस्मै प्रवर के किसी भी विधि के अधीन न्यूनतम कितने वर्ष की और कितने अवधि का कारावास किया जा सकता है, यानी न्यूनतम कितने वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है। तो कम से कम इसके लिए 7 साल की सजा है, जघन्य अपराधों के लिए कम से कम 7 साल की और आजीवन तक कारावास हो सकता है इसके अंतर्गत। 18 है कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूर देश में सबसे ज्यादा कहाँ पर है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बाल मजदूरी जो सबसे ज्यादा है, बाल श्रम सबसे ज्यादा जो होता है, ये किस राज्य में होता है, या राजस्थान जो है उसमें किस कौन सा स्थान है राजस्थान के, इसके मामले राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, देश में राजस्थान बाल श्रम के मामले में कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य का पहला बाल विकास परियोजना शुरू कहां से हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की पहली बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी गड्डी से। अब गड्डी कहां पर है ये भी याद रखिएगा, गड्डी आती है बांसवाड़ा जिले में। तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि राज्य की पहली बाल विकास परियोजना जो थी ये कहां से हुई थी, गड्डी पंचायत समिति से जो कि बांसवाड़ा में है, कब शुरू हुई थी ये बताना है। शुरुआत 1975 से हो गई थी, यानी 2 अक्टूबर 1975 को शुरू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। दो चीजें याद कर चुके हैं, 75 में शुरुआत हुई थी, गड्डी बांसवाड़ा से शुरुआत हुई थी, और किस वर्ष की आयु के बच्चों को, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को। 22 है कि दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम जो लागू किया गया था ये कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1961 में। तारीख याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मई 1961 को लागू किया गया था। सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पॉस्को, पॉस्को की फुल फॉर्म याद रखनी है, पहली चीज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये देश में लागू कब हुआ था, पॉस्को कब लागू किया गया था,
और ये लागू हुआ था 2012 में। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, ये भी आ सकता है पोस्टों की फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो 2012 में लागू हुआ था, 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम जो है वो अस्तित्व में कब आया था। पहली बार अस्तित्व में किशोर न्याय अधिनियम आया था 1986 के दौरान, 1986 में। 25 है कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया था, लेकिन देश भर में लागू कब हुआ था। दोनों डेट याद रखनी है, अस्तित्व में 1986 में और लागू हुआ था पूरे देश में, जो लागू किया गया था ये 2000 में लागू किया गया था। 2000 तो राइट आंसर आपका, एक नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015, और इसमें टोटल 112 धाराएं हैं, टोटल धाराएं पढ़ी थी मैंने पहले भी, टोटल 112 धाराएं हैं, तो इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, और टोटल अध्याय आते हैं 10, यानी टोटल 10 अध्याय और 112 धाराएं आती है, तो बी आपका राइट आंसर। 27 से 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी तरीके से संभोग करने के लिए फुसलाने से संबंधित जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है वो किस धारा में है। जिन बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष से कम है, उनको गैर कानूनी तरीके से फुसलाकर संभोग बनाना या अनैतिक व्यापार करना, और ये किस धारा में उल्लिखित है। ये धारा 366 के कैम में आती है, 366 के कैम में। एक चीज और याद रखिएगा, ये नॉर्मली व्याख्या जो 16 वर्ष कर रखी है, नॉर्मली अभी 16 वर्ष भी हो गई है, इसकी व्याख्या के तौर पर नॉर्मली आती है। जो पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाला गया था इसमें 16 वर्ष दिए, तो 16 वर्ष उसके साथ में याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 28 है कि धारा 366 के जो है, धारा 366 के जो है, यानी वही जो क्वेश्चन में बता रहा था अभी कि 18 वर्ष की जगह 16 वर्ष वाला रखना है, तो वही क्वेश्चन है, इसको समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी 16 साल की कम उम्र की किसी लड़की को फुसलाता है या किसी दूसरे स्थल पर ले जाने के लिए या कार्य करने को, ये जानते हुए कि उनके साथ अन्य व्यक्ति या गैर कानूनी संभोग किया जाएगा, और उसी चीज के लिए अगर कोई उसके लिए मजबूर करता है, तो कितने साल की सजा हो सकती है, कितने साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो 10 साल तक की सजा, कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। एज वाली चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, 16 साल व्याख्या में देर की है, और धारा जो है वो 366 का भाग के आता है। 29 आपका है कि वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना या उनके साथ अनैतिक व्यापार करना, ये किस धारा में आता है। वेश्यावृत्ति के लिए किसी के बच्चों को बेचना या उनका व्यापार करना, और ये आता है धारा 372 में। ये धारा 372 है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि धारा 372 जो है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए, गैर कानूनी संभोग के लिए, या किसी कानून के विरुद्ध या दुराचार काम करने के लिए, या उनका उपयोग करने के लिए बेचता है या फिर भाड़े पर देता है, या तो इसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है, वो 10 साल की सजा का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विदेश से किसी भी लड़की का आयात करने से संबंधित जो अनैतिक व्यापार किया जाता है, उसका संबंध किस धारा से है। विदेश से अगर लड़की का अनैतिक से व्यापार करते हैं, तो ये धारा 366 के भाग कै में आता है। देश में हमने कै पढ़ा था, देश की लड़कियां जो होती है उनके लिए हमने 366 का भाग कै पढ़ा था, और विदेश से व्यापार करने वाला खै में आ जाता है। तो दोनों को साथ में कनेक्ट करके याद रखिए, आसानी से याद रख पाएंगे। 32 है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना या उनसे अनैतिक व्यापार करने से रिलेटेड जो धारा है वो कौन सी है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना बेचने की धारा आती है, 373 आती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बालकों और किशोर श्रम यानी प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1966 की कौन सी धारा है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को किसी भी प्रकार के खतरनाक और गैर खतरनाक कार्यों कराने में अपराध घोषित किया गया है। और ये धारा आती है धारा 3 के अंतर्गत आता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम करवाने से रिलेटेड जो है। और ये अधिनियम कब बना था ये जरूर याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी अलग अलग एग्जाम में, 1986 का अधिनियम आता है। 34 है कि ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित रहा हो या ऐसे स्थान पर रहा हो जहां पर पूरी संभावना हो कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चों को कितने घंटे के भीतर भीतर है वो डब्ल्यू
सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोई ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता हो या ऐसी जगह रहता हो जहां पर यह संभावना बन जाती हो कि उनका शारीरिक शोषण हो सकता है, तो सीडब्ल्यूसी के सामने कितने घंटे के अंतर अंतर को प्रस्तुत करना जरूरी है? तो 24 घंटे के अंतर अंतर, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 35 आपका है कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट 2012 है, लागू कब हुआ था? अभी अभी हमने किया था, किसी का गलती नहीं होना चाहिए, 14 नवंबर को हुआ था। पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हो गया था। 36 है कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट 2012 की प्रवेशन लैंगिक हमला यानी धारा 3 और धारा 4 जो है उसके अकॉर्डिंग कम से कम कितने वर्ष की कारावास से लेकर आजीवन तक प्रावधान किया गया है? तो कम से कम 7 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर आजीवन सजा का प्रावधान है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और 37 आपका है कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का जो विवरण है या वर्णन है वो किस धारा में है? कि किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा जो किया जाता है ये आता है धारा 5 में, ये भी इंपोर्टेंट है, धारा 5 के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 38 है कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा जो 5 है उसके लिए धारा 6 में कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो कि आजीवन तक हो सकता है? तो कम से कम 10 वर्ष, ये सरकारी कर्मचारी वाला है। दोनों देखिए, सरकारी कर्मचारी के लिए जो प्रावधान है वो धारा 5 में है और इस धारा 5 का जो अपराध है उसकी सजा है वो धारा 6 में है। सजा कितनी हो सकती है? कम से कम 10 साल की और ज्यादा से ज्यादा आजीवन तक हो सकती है। पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसमें लैंगिक आशय में से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है इसमें प्रवेशन के बिना शारीरिक या अंतर्गत हो सकता है तो लैंगिक हमला करता है, और इस लैंगिक हमले का जो वर्णन है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? लैंगिक हमले का वर्णन है धारा 7 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, 39 और 40 है। यही जो धारा 7 में हम लैंगिक हमला पढ़ रहे थे इसी लैंगिक हमले की जो सजा का प्रावधान है वो धारा 8 में है। तो बताना है किसी लैंगिक हमले का यानी धारा 7 में जो वर्णन है उसका अगर कोई अपराध करता है तो कितनी सजा का प्रावधान है इसके लिए? तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, और सजा किसमें है? धारा 8 में आती है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही समझिए, अगला है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 2012 की अकॉर्डिंग धारा 7 जिसमें लैंगिक हमला जो है उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 8 में है, तो कम से कम सजा हमने पढ़ी थी कितनी हो सकती है? 3 वर्ष की सजा हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? कम से कम 3 वर्ष की, और ज्यादा से ज्यादा इसके लिए सजा का प्रावधान है वो 5 वर्ष का है, ठीक है, इसमें धारा 8 के अकॉर्डिंग है। 42 है कि पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसमें बालात का अश्लील प्रयोजनों के लिए वर्णन कौन से में है? बालक का अश्लील प्रयोजनों का जो वर्णन किया गया है पॉक्सो एक्ट 2012 में वो कौन सी धारा में किया गया है? और ये धारा 13 के अंतर्गत आता है, अश्लील प्रयोजन, ये जरूर याद रखिएगा, धारा 13 के अकॉर्डिंग आता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। वही सेम तरीका कि धारा 13 में जो अश्लील प्रयोजन की धारा है जो अपराध है उसके लिए सजा का प्रावधान है नेक्स्ट धारा में यानी धारा 14 में, तो कितनी सजा का प्रावधान है अगर बालक के लिए अश्लील प्रयोजन करते हैं? तो इसका वर्णन है धारा 13 में और सजा है धारा 14 में, और इसके लिए सजा हो सकती है, कितनी सजा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष की है, ठीक है, 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें जुर्माना भी होता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 44 है कि बालकों के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए पॉक्सो एक्ट 2012 एक्ट में बदलाव किया गया था। अब इस बदलाव के तहत कितने साल से साल तक की बच्ची के साथ रेप के लिए दोषियों को सजा का प्रावधान है? तो बदलाव किया गया था उसके अकॉर्डिंग 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है, मौत की सजा। 45 है कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया था 1986 में और 2000 में पूरे देश में लागू हो गया था, ये मैंने पढ़ा था, याद होगा सभी को। 46 है कि बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बालिका नीति सबसे पहले जारी की गई थी राजस्थान के द्वारा, तो राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। 47 है कि यूनिसेफ के द्वारा
हर वर्ष बाल श्रम निरोध अधिनियम कब मनाया जाता है? यूनिसेफ हर साल बाल श्रम निरोध दिवस मनाता है 12 जून को। 12 जून सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 ये घोषित कब की गई थी? शुरुआत मैंने कहा था डेट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। घोषित कब की गई थी? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति बी आपका राइट आंसर। 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के वाद में कब खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई और उनकी शिक्षा के लिए बाल कल्याण कोष का प्रावधान किया गया था? और बाल कोष पर ये 10 दिसंबर को हुआ था, 10 दिसंबर 1996 को ए आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 कि माता पिता की बाल श्रम कानून का पहली बार अगर दोषी पाया जाता है तो क्या प्रावधान है? जब माता पिता बाल श्रम के लिए पहली बार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, सेकंड बार उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और आपने 50 में से कितने सही किए हैं, कितनी आपकी तैयारी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह के डेली सीरीज टेस्ट है जो हम बनाते रहें। अब अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं दोबारा वीडियो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है, एक बार प्रैक्टिस होगी तो पीडीएफ ले लेना ताकि रिवीजन कर सको। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, जो आप सर्च कर लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, राइट। इसके अलावा कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, सजेशन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को डेली याद रखिएगा, रात को 8 बजे रोजाना राजस्थान जीके की हम तैयारी करते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है रोजाना का, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टेस्ट किए तो वो भी देख सकते हैं और डेली 8 बजे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक से जरूर कर देना ताकि इस तरह के और भी टेस्ट हम डेली बना सकें। और कितना स्कोर रहा है कमेंट करके बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा आज की कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। 35 का टारगेट रखा था कि तो कितने, जितना भी स्कोर बनाए ऑनेस्टी के साथ आंसर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।